अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ ईमान और जींस पीछे पे आप लोगों को खुश आमदीद। आई होप यू ऑल आर गुड, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम गुड एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे आई एम हियर विद अनदर वीडियो, और आज का जो वीडियो है वो टॉपिक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक ऐसी बात बताई है कि हम मुसलमान होने के बावजूद भी अगर हम उन बातों पे अमल ना करें तो हम जो है जन्नत में जाने के हकदार नहीं हैं। वो अलग बात है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की ऑब्वियसली अल्लाह ताला की मर्ज़ी, वो जिसको मर्ज़ी चाहे, जिसकी मर्ज़ी जितने गुनाह चाहें वो साफ़ करके वो उनको जन्नत में भेज दें, वो अल्लाह की अपनी मर्ज़ी है, सिवाय उसके कि वो शिर्क करे। अल्लाह मुशरिक को कभी माफ़ नहीं करता। तो इस ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। इसमें जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सूरह असर के बारे में जिक्र किया है और बताया कि इंसान खसारे में है। तो चलिए देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा कि कैसे इंसान खसारे में है, ऐसा क्या है कि इंसान खसारे में है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम लोग अगर फॉलो ना करें तो हम जन्नत में जाने के हकदार नहीं मुसलमान होने के बावजूद भी। तो इस वीडियो में वो सब कुछ आपको मिलेगा। होप यू आर लाइक इट। और उससे पहले सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब टू दीन्स फीचर्स इफ़ यू हैवंट येट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स वॉच द वीडियो। मैं इस सूरह में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलास्र इन्नल इंसाना लफी कुस्र इन्नल अज़ीना आमिनू व आमिनस सालिहाती वतवासु बिल हक वतवासु बिस सब्र। सो देयर वाज दिस सूरह, इट्स कॉल्ड सूरह अल-असर। नॉट जस्ट ओनली चेंज, इट एक्चुअली गेव मी अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एज अ मुस्लिम, एज अ बिलीवर। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1-2-3, अल्लाह ताला फरमाते हैं والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। अल्लाह ताला जमाने की कसम खाते हैं और कहते हैं कि आदमी खसारे में है, इंसान खसारे में है, सिर्फ वो लोग जो चार चीजों पर अमल करते हैं, सिर्फ ये शख्स खसारे में नहीं है। सबसे पहले ईमान, फिर अमल सालिहात अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासो बिल हक लोगों को हक की तरफ बुलाना, दावत देना गैर मुस्लिम को हक की तरफ बुलाना और इस्लाह करना मुसलमानों के साथ, नंबर 4 वतवासो बिल सब्र कि लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। इस सूरह से मैं ये पता लगता है कि कोई भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए चार चीजों की जरूरत है कम से कम। एक है ईमान, दूसरा अच्छा अमाल, तीसरा है दावत देना गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ बुलाना, और चौथा नंबर है लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इन चारों में से एक भी चीज की कमी है तो सूरह अल-असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुस्लिम होंगे, रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे, हज के लिए गए होंगे, ज़कात देते होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन सूरह अल-असर के हिसाब से अगर आप दावत नहीं देते तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सिर्फ दावत देना भी काफी नहीं, चारों चीज जरूरी है, ईमान, अमल सालेहात, वतवासो बिल हक और वतवासो बिस सब्र। इन चारों में से एक की भी कमी है तो सूरह अल-असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर आप दावत नहीं करेंगे और अल्लाह सुबहाना व ताला आपको माफ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा। तो शिर्क के अलावा अल्लाह सुबहाना व ताला कोई भी गुनाह को माफ कर सकते हैं अगर अल्लाह ताला चाहता है तो अगर आप दावत नहीं देंगे और अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है और जन्नत में जाना चाहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पे अगर आपको जन्नत में जाना है तो चारों चीज जरूरी है, ईमान, अमल सालेहात, वतवासो बिल हक, दावत देना, वतवासो बिस सब्र लोगों को सब की तरफ बुलाना। इसीलिए आज के हालात देखकर मेरे नजरिए में सबसे बड़ा जिहाद है कि नफ्स के खिलाफ शैतान जो भड़काता है और जो गैर मुस्लिम के जहन में जो इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां हैं उसे दूर करना हमारा फर्ज है, वो एक बड़ा जिहाद है। डॉक्टर साहब मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद जियाउल्लाह खान मेरा नाम है। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग
सूरह वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज्यादा तशवीश होना चाहिए, वेदर ही इज फुलफिलिंग ऑल द फोर कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया वतवासो बिल हक के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो आमिल सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे आमिल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ वतवासो बिल हक आर नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासो बिल हक, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासो बिल हक में आ जाता है, लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नजर में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं आज की तारीख में, इस्लाह भी कर रहा हूं दावा भी कर रहा हूं। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूं, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूं। कल सुबह इंशाल्लाह एक खुसूसन नशिश्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लाह भी मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुबहाना व तआला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये जिंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है, तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। जी जो तो जैसे आपने देखा कि ऐसे कौन से चार अहकाम थे, ऐसी कौन सी चार बातें हैं जो कि मुसलमान हैं हम फिर भी अगर उनको फॉलो ना करें तो हम जन्नत में जाने के जो है वो लाइक नहीं है, हम जन्नत में जाने के काबिल नहीं हैं। तो बिल्कुल आई एग्री टू दैट कि अल्लाह ताला बहुत रहीम है, करीम है, ही मे फॉरगिव हिम हु एवर ही प्लीजेस। सो एग्जैक्टली अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बेशक वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। लेकिन जहाँ पे जब साफ साफ लिखा है, अल्लाह ताला ने साफ साफ बोला है कि बेशक ज़माने की कसम अल असरी इन्नमल इंसान लफी खुस, बेशक इंसान खसारे में है। तो इस बात की इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करती है, इन चार बातों की इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करती है कि ये बातें एज ए मुस्लिम हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए कितनी अहमियत रखती हैं कि हमें उनको फॉलो करने वाले मुसलमान होने के बावजूद भी जन्नत में जाने के काबिल नहीं है। तो बहुत मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से, आई होप यू एग्री एज़ वेल। और बिल्कुल ऐसे उन्होंने बोला कि जो है इसमें से एक अहकाम जो है वो ये है कि हक की दावत देना, सबको सब्र की दावत देना, सबको अच्छे अहकाम की दावत देना। हम लोग देखते हैं हमारे इर्द गिर्द, अगर हमारे पास नॉन मुस्लिम्स नहीं है, हम मुसलमान की एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैंने काफ़ी जगह पे देखा है लोगों को कि कोई जो है वो सही रास्ते पे ना हो ना, तो उसको बताने के बावजूद लोग कहते हैं भाई उसकी लाइफ है, करे जो करे, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, हम मुसलमान हैं, अगला बंदा मुसलमान है, एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम एक गैर मुस्लिम को भी समझाएं, उसको हक की दावत दें, उसको अच्छी बात की तरफ बुलाएं, उसको जो है गलत काम से निकालें, उसको सही बात की दावत दें। तो एज़ अ मुस्लिम, और अगर दूसरा मुसलमान सही राह पर नहीं है तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ बनता है। ऐसा ना सोचा करें कि वो बंदा क्या सोचेगा या हम लोग खामखा किसी में क्यों पड़े,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अगले मुसलमान को जो है वो राह रास्त की तरफ लगाएं, अगर वो किसी चीज़ में वो गलत है तो उसको सही बात की तरफ लाएं। तो इस बात से लोग अक्सर मैंने देखा है कि जो है दूर भागते हैं कि नहीं हमने नहीं करना, हम क्यों लोगों में पढ़े हैं, आजकल का ज़माना ही ऐसा है वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है वो अभी तक हमारा फ़र्ज़ है, बेशक जो मर्ज़ी ज़बान है। तो अल्लाह ने ज़माने की कसम खा के कही है कि बेशक इंसान खसारे में अगर वो ये सब अमाल ना करे। आई टोटली एग्री टू दैट। Let me know if you agree as well or not. Let me know in the comments below and see you next time in another video inshallah. I hope you liked it. I hope you got some knowledge as well in it. And we will meet in the video inshallah. Tab tak ke liye apna khayal rakhiyega. Allah Hafiz.